हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन 2 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह के अंदर 4.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने में 14%, 3 महीने में 45%, 6 महीने में 92% और 1 साल के अंदर इस स्टॉक में 32% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में निचले लेवल पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 80 रुपीज। 80 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में एक निचले लेवल पर बड़ी तेजी देखने को मिली है और अभी स्टॉक देखिए तो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अराउंड 87 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 120 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।